हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है सर। ठीक है, फेस्टिवल मूड में, सेलिब्रेशन मूड में? ये सीरियस मूड में है? सेलिब्रेशन मूड में। सेलिब्रेशन मूड में? हाँ, सही है, वेरी नाइस। लेकिन ये क्लास तो हमें करनी है, इसके बाद आप लोग एंजॉय करना। तो आपके फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं? अभी कम आए क्लास में स्टूडेंट्स? सर आज एक ही बैच है ना, हाँ, तब भी कम आए हैं लग रहा है। दो तीन रहते हैं। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन रिवाइज कर रहे थे। उसमें हम आगे करेंगे अभी, और आप लोगों के फेस टेस्ट भी हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करते हैं। सर लॉज ऑफ मोशन आएगा सर फेस टेस्ट में? लॉज क्या आएगा? ऑफ मोशन हाँ, लॉज ऑफ मोशन आएगा, बिल्कुल आएगा। जितना हम कवर कर लेंगे आज, मतलब उतना आएगा। तो सब चीजें, बेसिक बेसिक सब चीजें देख लेना, पुली वाले क्वेश्चन, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन, और मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये सब देख लेना। वैसे मैं भी कुछ करा भी रहा हूँ उनमें से। तो पहले मैं पुली सिस्टम देख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था? एक पुली से दो मास हैंग कर रहे हैं, किए थे ऐसे वाले या नहीं किया अभी? नो सर। ओके, तो सबसे पहले पुली सिस्टम देखते हैं। पुली सिस्टम में सबसे जो बेसिक वाला टाइप है वो ये क्वेश्चन है। ये दो मासेज है हमारे, M1 एंड M2। तो अगर इस पुली के साथ इन दो मासेस को हैंग कर दें, तो जो भी हैवी होगा इनमें से मास, वो नीचे आएगा, और जो लाइटर होगा वो ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं अगर दोनों मास इक्वल हैं तो कोई मोशन नहीं होगा, तब तक एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इसलिए दोनों में से एक का मास दूसरे से ज्यादा होना जरूरी है, तब मोशन होगा। तो मान लेता हूं मैं M1 का मास ज्यादा है, तो जब ये नीचे आएगा M1, क्योंकि M1 का मास ज्यादा है इसलिए ये नीचे आएगा, और M2 अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। तो मान ले इनके एक्सलेशन है, हमें एक्सलेशन फाइंड करना है, और स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। M1 मास के लिए देखें, M1 मास के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 ब्लॉक के ऊपर देखें, कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी। एक इसका वेट M1G, और एक ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगेगी, और टेंशन का रूल है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है एक्सलेशन नीचे, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, एक इसका वेट और एक टेंशन। क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसके लिए जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे लिखते हैं, M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1A। और ऐसी दूसरे वाले मास के लिए देखें, और M2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसका जो वेट होगा M2G वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन, टेंशन का रूल है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और हमें भी टेंशन अपने से दूरी रखनी है, इसलिए टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन ऊपर, वेट नीचे, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसमें टेंशन बड़ी होनी चाहिए, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी टेंशन में से ये माइनस करेंगे। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये टेंशन टेंशन
कैंसिल हो गई। और इन दोनों में से जी कॉमन ले लूं तो ऐसा ही आएगा एम वन माइनस एम टू इंटू जी, और यहां पे इसका सम कर दूं। ये हमने दोनों को सम कर दिया है इक्वेशंस को, तो इसलिए एक्सलेशन मेरे पास आ गया एम वन माइनस एम टू ऑन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। और इस एक्सलेशन को मैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख दूं किसी भी एक में, तो मुझे टेंशन मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन वन मेरे पास है एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, यहां से टेंशन में लिख सकता हूं एम वन और ए की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं तो मुझे जो टेंशन की वैल्यू मिलेगी तो अब इसमें से जी भी कॉमन आ जाएगा, सब सॉल्व करके ही आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो टेंशन ये आएगी टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तो आगे ये जो पुली के लिए हमने एक्सलेशन निकाला और टेंशन निकाली, इसके फॉर्मूले हम याद कर लेंगे क्योंकि आगे हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला नंबर थ्री एंड फॉर्मूला नंबर फोर। तो ये हमारा एक्सलेशन आ गया और ये हमारी टेंशन आ गई। अब अगर हमें ये वाली टेंशन निकालनी है जो ऊपर है, इसका नाम मैं टी वन रख रहा हूं इस वाली स्ट्रिंग में, तो टी वन निकालने के लिए ऊपर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। और ये मेरी पुली थी और इसके ऊपर ये टेंशन टी वन लग रही है, और मैंने यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो क्या होगा, ये दोनों टेंशन इससे अवे और ये टी वन ये भी इससे अवे। तो पुली क्योंकि अपनी जगह खाली घूम रही है वो पुली, लेकिन ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही, तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए टेंशन टी वन इन दोनों के को बैलेंस करेगी, यानी टू टी के बराबर होगी। तो इसलिए इसका डबल कर दूं तो अभी इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की। पहले यहां तक नोट करते हैं, यहां तक समझ में आया आपको बेटा? यस सर। नोट करते हैं, लास्ट का दोबारा बताना कौन सा, लास्ट वाला? यस सर। ये जो पुली है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, ये पुली ली और ऊपर जो स्ट्रिंग थी उसको कट किया था, उसमें टेंशन आई और एक स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, तो इनको कट किया, इसमें टेंशन टी थी, ये अवे लगेगी, ये भी अवे लगेगी पुली से अवे, तो ये दोनों नीचे लगेंगे, ये वाली टेंशन ऊपर लगेगी, तो ये टेंशन इसको बैलेंस कर लेगी क्योंकि पुली के ऊपर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि पुली अपनी जगह पर है, वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, राइट? यस सर। तो इसलिए टेंशन हम ऐसे फाइंड करेंगे, पहले यहां तक नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं।
नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। मान लीजिए 4 kg और ये 2 kg है, तो हमें इसमें एक्सलेशन और टेंशन दोनों निकालने हैं। तो टेंशन T और इसमें टेंशन T1 है। T निकालना है, T1 निकालना है और एक्सलेशन फाइंड करना है। तो जो भी आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ G निकालना है। तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, अभी इक्वेशन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फोर केजी और ये है 2 केजी, तो बड़े वाले में से दूसरा वाला माइनस करेंगे। बड़ा वाला है, ये नीचे आएगा या 2 केजी नीचे आएगा? दोनों में से कौन सा नीचे आएगा? सर फोर केजी। 4 केजी। 4 केजी जिसका मास ज्यादा है, तो इसलिए ये ऊपर आएगा और ये ए एक्सलेशन से नीचे आएगा। तो ये 2 और ये 6 और ये जी, और ये कितना हो गया? g/3। तो एक्सलेशन आ गया g/3। टेंशन निकालने के लिए मेरे पास कई फॉर्मूले, एक तो ये है m1 m2 upon m1 plus m2 into g। पर मैं इससे भी आसान फॉर्मूला यूज करूंगा। इसमें ये जो नीचे ही आता है उसके लिए देखें इक्वेशन क्या थी, m1g - tension इससे मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। जो भी नीचे जा रहा होता है उसमें टेंशन निकालने के लिए जी माइनस ए कर दो, और इसी तरह जो ऊपर जा रहा है उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास टेंशन माइनस m2g। इसको अगर मैं m2 ले लूं और इसको m1 ले लूं, तो यहां पे m1 तो ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया, शॉर्टकट मेथड। इसको हम आगे भी यूज करेंगे, जिसमें भी टेंशन निकालनी है। जो ऊपर जा रहा है मास उसमें g प्लस a कर दो मास इनटू, और जो नीचे जा रहा है उसमें माइनस a कर दो g माइनस a। तो अब देखो ये टेंशन मैं इससे निकाल रहा हूँ, m1 है हमारा 4 kg इंटू जी माइनस ए, ए की वैल्यू आई g/3। तो ये कितना जाएगा 8g/3। और अगर मैं इससे टेंशन निकालू, m2 है मेरा 2 kg, जब तक ये सेम स्ट्रिंग है टेंशन सेम होनी चाहिए। तो दोनों से मेरा आंसर सेम आ गया, तो मेरा आंसर चेक भी हो गया। यहाँ पे आंसर चेक हो गया क्यों? दोनों से सेम आ गया, और जो ऊपर वाली टेंशन है वो इसकी डबल होगी, तो जस्ट डबल कर दो तो हमारा और भी फास्ट आएगा। हम इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे और भी फास्ट आएगा। तो इसलिए आ गया 16g/3। ये आपको समझ में आया? आपका भी ये आंसर आया? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके बताएंगे मुझे।
ये 1 kg या 3 kg? फाइंड एक्सलेशन टी एंड T1, ये दोनों टेंशन निकाल लिए और एक्सलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, जी के टर्म्स में ही निकालो जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। डन सर। वेरी गुड। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे ये आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। ये हैवी है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। क्या एक्सप्लेनेशन ये आया जी बाई टू? यस सर। और अब ये नीचे आ रहा है तो 3 × g - a या जी प्लस ए क्या कर दूं? 3 kg के लिए g - a g - a। गुड, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये आ गया 3g/2। अब इससे भी निकाल सकते हैं, इसके लिए g - a g + a 1 के लिए प्लस। क्यों? क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, दोनों से सेम आया मतलब yes, चेक हो गया। और T1 मेरा इसका डबल होगा। यानी 3G। आपका भी यही आंसर आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। अब देखें, अगर ये 2 से आधा मासेज हो तो कैसे करते हैं? मान ली ये सब केजी में मासेस दिए हैं, अब हमें इसका स्ट्रिंग में टेंशन T1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके 4 से लेके 3 तक सेम स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन सेम रहेगी। इसमें मैं T3 लिख रहा हूँ और इस वाले को T4 लिख रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे जब एक से ज्यादा मासेस हो। इसके लिए हम इन दोनों मास को एक साथ, जितने भी मास हैं एक तरफ वाले, उनको मिलाकर एक मास बना लो मन में। तो ये हो गया 5 kg और ये दोनों मिलके कितने हो गए? 10 kg। तो 10 kg और 5 kg में से कौन सा भारी हुआ? 10 kg। 10 kg वाला। तो 10 kg यानी ये नीचे आएगा पूरा सिस्टम, ये ऊपर आएगा। अब जो एक्सलेशन में m1 - m2 है वो कंबाइंड रख देंगे इसका, 10 - 5 ये हो गया 5, ये है 15। एक्सलेशन आ गया मेरा g/3। यहां तक समझ में आया? यस सर। और अब देखें यहाँ जहां भी टेंशन निकालनी है क्या करेंगे, उसके नीचे वाले मास को लेकर, नीचे जितने भी मास होंगे वो सारे मास लेकर रूल लगाएंगे। ये देखेंगे वो मास ऊपर जा रहा है तो g+a, नीचे आ रहा है तो g - a। तो यहाँ पे देखो टेंशन T1 के लिए, T1 निकालना है तो उसके नीचे के सारे मास लेंगे। नीचे एक ही मास है अभी 6, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो g- करेंगे। कितना आ गया? 4G टेंशन आ गई।
अब टी टू निकालना है। टी टू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे जितने मास हैं, अगर इधर से निकालते हैं, इधर कितने मास हैं, 10 kg, और ये कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो कितना आया, 20g/3। ये समझ में आया टी टू? यस सर। अब मैं टी टू यहां से चेक करूंगा, इधर से भी टी टू आएगा, लेकिन यहाँ पे ये मास, इसके नीचे जो मास हैं, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। ये कंबाइन करके ले लिए, जहां भी निकालेंगे टेंशन उसके नीचे के सारे मास ले रहे हैं, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस कर दिया, +g/3। ये मैंने दो अलग अलग मेथड से निकाले, सेम आंसर आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन चेक हो गई। ऐसे जो T3 वाला है उसके लिए ये 2 kg मास ऊपर जा रहा है। ये टेंशन T3 आ गई, और T4 निकालने के लिए जो भी यहां वाली टेंशन होगी, यहां पे T2 है, उसका डबल कर देंगे, तो इसलिए T4 तो अगर एक से ज्यादा मासेज होंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखो ये समझ में आया आपको, ये सबसे अच्छा मेथड है यस सर। क्योंकि इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है बहुत। अब मैं आगे और पुली वाले क्वेश्चन कराने से पहले आपको पहले फ्रिक्शन के बारे में बता दूं। मान लो मैं इस पे ये पी फोर्स लगा रहा हूं, और ये ब्लॉक रखा है, ये मैं एक एग्जांपल लूंगा, 10 kg मास है इसका, जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, देखें इस पे कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी। तो इसका वेट mg 100 N, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसको बैलेंस करने के लिए। और अगर मैं इसके ऊपर ये फोर्स लगाता हूँ, अगर ये रफ सरफेस है, तो इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स दो तरह के कोफिशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, म्यू एस एक होता है जिसे हम कहते हैं कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मान ले कि हमारे केस में इसकी वैल्यू .32 गिवन है, और म्यू के कहते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं। मान इसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम होती है, तो मान लें इसकी वैल्यू .30 गिवन है, और ये डिपेंड करते हैं इसकी सरफेस और ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड है और ब्लॉक है दोनों की सरफेस की नेचर के हिसाब से इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि इसके मोशन को अपोज करती है। तो अगर हम इस ब्लॉक को राइट की तरफ पुल करें तो इसके ओपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रफ सरफेस की वजह से एक ओपोजिट फोर्स लगती है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यूएस से जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और वो मैक्सिमम भी होता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम, μs × N। और ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से देखें, 100 N को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, वो भी 100 N होगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो
ये मेरा 32 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गई, और काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी फ्रिक्शन फोर्स है। ये कब लगती है? जब ये ब्लॉक मूव कर रहा हो। ये कब लगेगी? जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तब मैक्सिमम इतनी लगती है। जब मूव कर रहा है ब्लॉक तो ये काइनेटिक वाला फ्रिक्शन लगता है। इसे एफ के एस इस म्यू के से निकालते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी मैं टेबल बना रहा हूँ। ये हमारी 30 न्यूटन। तो पहले यहां तक ये समझना है, म्यू एस हमें गिवन था, म्यू के गिवन था, उससे हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला। स्टैटिक वाला मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी जब ब्लॉक रुका हुआ है, और जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 30 न्यूटन है। अब ये जो पी फोर्स है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते जाएं तो जितनी हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ये फ्रिक्शन भी उतना ही इसके बराबर लगता ही आएगा। कब तक? मैक्सिमम 32 तक लग सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल 32 है। अगर हमने इस फोर्स को 32 से ज्यादा बढ़ाया तो मैक्सिमम तो 32 ही लगेगा, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जैसे ये मूव करेगा तो ये 32 वाला कम होकर 30 न्यूटन हो जाता है। मोशन में फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा न्यूटन में, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर मैं इस पी की वैल्यू 0 रखता हूँ, यानी कोई फोर्स नहीं लगाई मैंने, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की। अगर मैंने इसको 10 न्यूटन लिया तो ये भी 10 न्यूटन लगेगी। अगर मैंने इसको 20 लिया तो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी 20 लगेगा, क्यों? मैक्सिमम 32 तक लग सकता है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये भी बढ़ती जाएगी। को मैं एफ कह रहा हूं। अगर मैं ये 30 लगाऊं तो ये भी 30 होगी। अगर मैं ये 40 लगाऊं तो पहले ये 32 लगेगी, लेकिन 32 के बाद, क्योंकि 32 से 40 ज्यादा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक वाला लगेगा 30। अब मैं कितना भी इसे बढ़ाता जाऊं ये फिक्स हो गया, क्यों? ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा। 60, 100, मैं कितना भी फोर्स लगाऊं ये 30 पर फिक्स हो गया। तो यहां तक तो ब्लॉक का एक्सेलेशन 0 है, बैलेंस है, एक्सेलेशन 0 है, लेकिन यहां पर जहां 40 न्यूटन लग रहा है वहां एक्सेलेशन निकालें तो नेट फोर्स कितनी होगी? एफ नेट यहां पे मैंने 40 लगाया और फ्रिक्शन 30 लग रहा है, तो 40 माइनस 30 10 न्यूटन। और इसलिए अगर एक्सलेशन निकालें तो फोर्स अपॉन मास 10 न्यूटन अपॉन इसका मास 10 kg, तो 1 m/s² इसका एक्सलेशन होगा ब्लॉक का। तो पहले ये टेबल देखो, ये इस टेबल समझ में आई आपको? क्लास ये समझ में आया आपको बेटा? यस सर। यस सर। तो अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखते हैं ग्राफ। ये अप्लाइड फोर्स और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है।
या फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये इक्वल चल रहे हैं तब ये 45 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों इक्वल हैं। और फिर ये एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद स्लाइड कम होगा फ्रिक्शन, और फिर ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां जो फ्रिक्शन आया इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लग रहा है यहां से लिमिटिंग तक, ये पूरा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा। और जैसे ये यहाँ पे लिमिटिंग होते ये स्लाइड कम हो जाएगा, जैसे ये मोशन हो गया तो फिर यहाँ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स की पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे म्यू एन से, और फिर अगर हमारी फोर्स इस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा होगी तो ब्लॉक मूव करेगा, इससे कम होगी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और जितनी हमने फोर्स लगाई है उसके बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी जब तक कि हमारी अप्लाइड फोर्स इससे कम हो। जब इससे इसके बराबर होगी तो इसके बराबर फोर्स लगेगी, जब इससे ज्यादा होगी तो मैक्सिमम इतना लग सकता है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन भी गिवन है हमें तो इससे स्लाइड कम होके लग जाएगा, और काइनेटिक नहीं गिवन है तो हम इतने ही फ्रिक्शन लगा देंगे, यानी एक ही म्यू गिवन है तो हम फिर वो काइनेटिक वाले ही गिवन होता है उतने फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बार देखो ये समझ में आया आपको। यस सर। नोट हो गया, आगे चलू मैं? सर अभी नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लो, चलो। नोट होने के बाद बता देंगे मुझे। डन सर। ओके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाए।
इसका मास हमें गिवन है 5 kg, जी की वैल्यू गिवन है 10, और यहाँ पे म्यू गिवन है हमें 0.2, खाली एक ही म्यू गिवन है। मान लो म्यू मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इनके और इनके बीच में, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू गिवन है। तो अगर दोनों म्यू एस और म्यू के ऑलमोस्ट बहुत आसपास होते हैं तो कभी कभी हमें खाली एक म्यू गिवन होगा। मान लो हमें ये म्यू गिवन है, छत भी खाई आ गया। तो हमारे पास ये दो फोर्स लग रही हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है ब्लॉक का। तो फर्स्ट केस में 8 न्यूटन, सेकंड केस में 20 न्यूटन। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकाल के बताएंगे मुझे। आंसर आ गए आप सबके? आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना क्लास में भी? तो यस सर। ओके, सर हो नहीं रहा। तो मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट देखें, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगे। इसका वेट mg यानी 50 न्यूटन, और इस वेट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी जो इसको बैलेंस करेगी, वो कितनी हो गई, वेट को बैलेंस करेगी, वो भी 50 न्यूटन। अब यहाँ पे हमने 8 न्यूटन फोर्स लगाई, इसको अपोज करने के लिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो 8 न्यूटन को अपोज करने के लिए पहले हम देखें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, म्यू है हमारा 0.2 और एन है हमारा 50
मैक्सिमम 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन लग सकता है इसमें, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो 8 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी चाहिए? ओनली 8 न्यूटन। तो यहाँ पे 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा और इसलिए नेट फोर्स, क्योंकि 8 को 8 ने बैलेंस कर लिया, नेट फोर्स जीरो, और इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो आएगा फर्स्ट केस में। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में सेम ऐसे ही है, ये 50, ये 50, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है? 20 न्यूटन। और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना लगेगा आप? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही लग सकती है। इसलिए अब नेट फोर्स इन दोनों का डिफरेंस, ये 20 न्यूटन फोर्स लग रही है और ये 10 न्यूटन है, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मास है हमारा 5 kg, इसलिए एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 बीटा पर सेकंड स्क्वायर। और नेट फोर्स राइट साइड में, तो ये एक्सेलरेशन भी नेट फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, ये नेट फोर्स भी राइट साइड में लगेगी। देखो आप लोग, ये समझ में आया? यस। अब देखें, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कैसा मोशन होता है? मोशन ऑन ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसके और सरफेस के बीच में म्यू गिवन है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg काम करता है। अगर मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे अलग से बना रहा हूं, ये देखो, एक तो ये वर्टिकल लाइन है और एक मैंने ये जो प्लेन है मेरा इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ की। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सर 180 में से माइनस कर देंगे थीटा प्लस 90। हाँ, तो कितना आ गया बताओ मुझे? ये वाला 180 माइनस 90 प्लस थीटा। नहीं, 90 माइनस थीटा आएगा। देखो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। हाँ यस सर। तो यस सर। तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, और ये पूरा मेरा, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो मुझे x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे? 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दूं, तो ये अगर 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है, तो ऐसे ही पता चल रहा है x मेरा कितना ही आएगा थीटा, क्योंकि 90 में से थीटा माइनस कर दें तो ये फिर 90 माइनस थीटा ही आएगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। तो ये अगर थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये कितना एंगल बनाती है? ये सेम थीटा बनाती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये एंगल थीटा होगा। इसलिए mg के दो कंपोनेंट लूंगा मैं, mg का कंपोनेंट जो थीटा की तरफ होगा वो mg cos थीटा, और जो इधर होगा वो mg sin थीटा। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर, और इधर
अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसके ओपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी मुझे पता है, वो म्यू एन होती है, तो वो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो इस ब्लॉक को मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ, इसके ऊपर फिर से फोर्स दिखा रहा हूँ एक बार, समझ लेंगे और फिर ये सारी फोर्स कैसे कैसे लगती है याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में काम आएगा हमें। तो एम जी के दो कंपोनेंट लिए थे, एम जी को हटा के उसके कंपोनेंट ले रहा हूं मैं खाली, एक एम जी कॉस थीटा, इसके अपोजिट नॉर्मल फोर्स, ये ऊपर इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, सरफेस के अलोंग ये फोर्स लग रही है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, और प्लेन के अलोंग नीचे वेट का कंपोनेंट लगेगा जिसकी वजह से नीचे मूव करेगा एम जी साइन थीटा। पहले यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया? यस सर। तो इसलिए ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, यानी एन इक्वल टू यहां से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ब्लॉक या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इसमें ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स है रोकने वाली, तो ये नीचे जा सकता है या रुका रहेगा, दो ही केस पॉसिबल है। तो एन और ये आपस में बैलेंस करेंगे, इसलिए एन की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा, और इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ इसमें एन की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूं, तो ये हो गई म्यू एम जी कॉस थीटा। इसलिए अब एम जी साइन थीटा नीचे लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, तो नेट फोर्स इस प्लेन के अलोंग जो नेट फोर्स होगी वो होगी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, इससे हम एक्सलेशन फाइंड करते हैं। एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूं, और ये एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एक्सलेशन आएगा जी और जी यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यहां तक देखो, ये समझ में आया आपको? ऐसे एक्सलेशन फाइंड करते हैं, नोट करो एक बार। ये समझ में आया आप लोगों को? सर कर लिया। यस सर। हाँ, किसी को कोई डिफिकल्टी कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। तो अभी आगे चलेंगे, 2 मिनट बातें करते हैं। कहाँ कहाँ हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, पीयूष।
कैमरा ऑन करेंगे श्रुति। सर मैं पीसी से ले रही हूँ तो उसमें कैमरा नहीं है। ओके हाँ पीयूष क्या हाल है? बढ़िया पीयूष। यस सर। हाँ धनतेरस में भी पढ़ाई कर रहे हो है ना, कितने अच्छे बच्चे हो। यस सर वेरी सिंसियर स्टूडेंट। हाँ आयुष कहाँ हैं आप? आयुष जेंटलमैन, आयुष मिसिंग। हाँ आयुष पढ़ाई सही चल रही है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? दिवाली दिवाली में भी पढ़ा रहे हैं हमें, हमारा खून जला रहे हैं। हाँ ये दिवाली है आज थोड़ी आज हाँ लेकिन फिर भी चलो ये तो बढ़िया है। गुस्सा नहीं आ रहा ना? हाँ गुस्सा मत करना, बस अभी थोड़ी देर में फ्री कर दूंगा आप लोगों को। यस सर। हाँ अक्षरा कहाँ है आप? गर्वित। हाँ अक्षरा पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। हाँ वेरी नाइस, बस ऐसी धीरे धीरे पढ़ाई करते रह रहे हैं, सब बढ़िया होगा। और फिर कल से तो वेकेशन है, पर आप लोगों का एग्जाम भी है। और ये गर्वित, हेलो गर्वित कहाँ है भाई आप? गर्वित बात नहीं कर रहे बिल्कुल। और ये कौन है? यस सर गर्वित कैमरा ऑन करो, दर्शन दो अपने। नहीं सर वेकेशन 2 दिन क्या ना। हाँ शेड्यूल तो आपको मिला होगा ना, उसके हिसाब से देखना है ना, शेड्यूल के हिसाब से देखना है शेड्यूल में आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि हर क्लास का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। और ये कौन है, ये नाम क्यों नहीं आ रहा है इनका? एक मिनट, ये सब नहीं आ रहे क्या इधर? ईशान, ईशान कहाँ है? ईशान ईशान बात नहीं कर रहा। ईशान कैमरा वैमरा दिखा दो मुझे। ये बताओ दिवाली में पटाखे छुड़ाओगे या नहीं? नहीं सर। क्यों? मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे ही नहीं? हाँ अच्छी बात है, वैसे नहीं छुड़ाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए हमें है ना, तो पॉल्यूशन की हाँ तो पॉल्यूशन भी हमें रिड्यूस करना है, इसलिए नो क्रैकर्स। तो हम और बाकी दिवाली मनाओ, बाकी शैतानी करो, दूसरे तरह के बम फोड़ो, शैतानी वाले बम, लेकिन ऐसे बम मत फोड़ो है ना। यस सर। हाँ शैतानी वाले बम फोड़ो, इस किसी ने मना नहीं किया, और खूब एंजॉय करना दिवाली में। यस सर एंजॉय करेंगे। माइक खराब है गर्वित का, कोई बात नहीं गर्वित एंजॉय एंजॉय। चलो अब क्लास में चलते हैं, 2-3 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अभी इधर आ जाओ, यहाँ तक नोट हो गया सबका, समझ में आया हमें? यस सर। यस सर। तो ये हमारा ऐसा केस है, इसमें हमने ब्लॉक को रखा और वो अपने आप वेट की वजह से नीचे मूव कर रहा है, तो उसका एक्सलेशन हमने ये फाइंड किया। और ये भी देखें, ये जो एक्सलेशन है इस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी कि कोई भी मास हो, अगर म्यू हमें इस सरफेस के लिए गिवन है तो सबका एक्सलेशन सेम होगा, यानी बड़े ब्लॉक का छोटे ब्लॉक का हर ब्लॉक का एक्सलेशन सेम ही आएगा है ना, अगर थीटा और म्यू फिक्स कर दें तो। अब मैं अगला केस लूंगा जिसमें ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाई है, तब देखेंगे उसका एक्सलेशन कैसे निकालेंगे। पर इससे पहले मैं एक पुली का एग्जांपल लूंगा, इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर पुली दी हो हमें इंक्लाइंड प्लेन पे तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है हमारा, ये पुली है,
मान ली ये M1 मास है और ये M2 मास है, हमें अब एक्सलेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है, ये एंगल थीटा गिवन है और स्मूथ सरफेस गिवन है, इसमें स्मूथ सरफेस यानी नो फ्रिक्शन। तो देखें क्या करेंगे, M1 के ऊपर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो M1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी, एक तो वेट M1G और इस स्ट्रिंग में ये टेंशन लगेगी ऊपर, टेंशन T। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये हमें पता नहीं है। अब ये 2 मिनट ये थोड़ी देर रुक जाते हैं, ये बीच में साउंड आ रही है। बस भाई बस रुक जाओ, अब रुके यार, ये भी पूरा नॉइस करके देखो इसमें। तो ये नीचे, अगर ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, हम ऐसे ही मान लेंगे। अब बाद में देखेंगे, अगर हमारा ए जो एक्सलेशन है वो प्लस में आ गया पॉजिटिव, तो ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जैसा हमने माना था वैसा ही है। अगर ये माइनस में आया तो उल्टा मान लेंगे, यानी ये ऊपर गया और ये नीचे। तो इस केस में देखें M1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, M1G माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब इस ब्लॉक के ऊपर देखेंगे कौन कौन सी फोर्स लगेगी M2 के ऊपर। तो M2 के ऊपर जैसे हमने देखा, M2G नीचे उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर M2G cos थीटा और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स लगेगी, ये आपस में बैलेंस कर लेंगे इसलिए इसका यूज नहीं होगा। और इधर M2G sin थीटा और इधर ये टेंशन हमेशा इससे अवे, और ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए इक्वेशन आएगी टेंशन माइनस ये वाला फोर्स, यानी यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं इधर टेंशन माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A। तो ऐसे हमें ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी और इनको अब ऐड कर दें तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो गए और ये मैंने G कॉमन ले लिया इसमें से, तो अगर ये M1 इससे बड़ा होगा M2 साइन थीटा से तो पॉजिटिव आएगा, अगर A पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इफ A पॉजिटिव देन डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, जो हमने मानी है वो ही रहेगी। अगर A उल्टा या नेगेटिव आया है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। तो ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे अपने आप, यहां से डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। तो यानी ये ऊपर जा रहा होगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। तो जो पुली वाले क्वेश्चन होंगे इंक्लाइन प्लेन पे, वो हम इस रूल से कर लेंगे। एक बार नोट करो, ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ नोट करते हैं जल्दी से।
हो गया सर। वेरी नाइस। तो ये सबको समझ में आ गया मेथड? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब अगले केस पे आ रहा हूं मैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और हम मान लो कि हम इसके ऊपर ये इधर ये पी फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। हमें इसका एक्सलेशन फाइंड करना है। इस प्लेन के अलोंग ये ब्लॉक मूव कर रहा है और ये वेज कहलाता है। ये वेज फिक्स है तो इसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ और फ्रिक्शन अगेन म्यू गिवन है। तो सबसे पहले mg के कंपोनेंट लेंगे, एक इधर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे ये mg cos थीटा लगेगा इसके अलोंग mg sin थीटा लगेगा। सरफेस के ओपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो इस फोर्स को बैलेंस करेगी। यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है, ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। मान लेते हैं ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से फ्रिक्शन इसके ओपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा हमें म्यू। तो म्यू इंटू एन जो भी यहाँ से नॉर्मल फोर्स आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू एन, ये इसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो देखें जरा इक्वेशन कैसे बनेंगी, ये दूसरे को एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एक इक्वेशन तो ये आएगी। दूसरी जो फ्रिक्शन है वो म्यू एन से आएगा तो इसलिए म्यू और एन की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा। और अब ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स कितनी होगी, ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, ये दोनों माइनस हो जाएंगी इसमें से तो P माइनस एम जी साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा, ये नेट फोर्स आएगी एफ नेट। और इस नेट फोर्स को मैं मास इंटू एक्सलेशन के बराबर रख दूंगा, मास इंटू एक्सलेशन, तो इससे मुझे एक्सलेशन मिलेगा, इट गिव्स एक्सलेशन। तो जब जिसमें कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रही है वो ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो उसमें, या नीचे फोर्स लग रही है, जैसा भी केस हो, हमारा ये जनरल एक मेथड हो गया, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये वाला मेथड समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जल्दी जल्दी नोट करते हैं फिर अगले केस पे चलेंगे।
नोट करने के बाद बता देंगे मुझे। नोट हो गया? यस सर। अब अगला केस देखते हैं। तो हम ऐसे ये डिफरेंट टाइप के केस स्टडी कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी ना हो। यानी ऑलमोस्ट मेन मेन सारे टाइप के कर लिए, तो क्वेश्चन हमारे इसी में से कोई टाइप आएगा। अब जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। ये ब्लॉक था, ये एंगल थीटा था। अब जो हमारी फोर्स लगेगी इस ब्लॉक के ऊपर, वो इस प्लेन से एंगल बना रही है। ये पी फोर्स लग रही है, इंक्लाइंड फोर्स। और मान लें ये वाला एंगल फाई बना रही है। तो अब हमारे पास दो एंगल होगा, एक एंगल थीटा यहाँ पर है, और ये जो फोर्स है ये प्लेन के पैरेलल जो डायरेक्शन है, प्लेन से एंगल फाई बना रही है। हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और म्यू हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो इसके लिए भी सेम करना है मुझे। क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क कर रही है। तो यहाँ जो फोर्स वर्क कर रही है इसका क्या नाम है, क्या लिखूं? जल्दी बोलो आप लोग। mg cos थीटा, mg sin थीटा? सर cos थीटा। mg cos थीटा। इधर mg sin थीटा। mg sin थीटा। इधर नॉर्मल, एक नॉर्मल फोर्स, और एक पहले इसके कंपोनेंट करता हूँ। ये जो p फोर्स है, इसके कंपोनेंट इस एंगल पर एक्ट प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, तो p cos आएगा या p sin phi आएगा? जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है हमेशा वहां cos phi आएगा, और इधर p sin phi। और अगर ये इस फोर्स की वजह से ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिधर ये मूव कर रहा है। ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स यहां से निकालेंगे कितना होगा, म्यू एन, म्यू एन। तो इतनी फोर्स लगेंगी इसके ऊपर, पहले ये समझ ले। एम जी साइन थीटा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, और ये नॉर्मल की डायरेक्शन में, एक नॉर्मल और एक पी का कंपोनेंट मिल जाएगा इसमें। इसलिए इसकी अब इक्वेशन बनाऊं तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो एन प्लस पी साइन फाइव इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां से पहले एन की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में एन रखना है। ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस पी साइन फाइव। और अब इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो नेट फोर्स निकालेंगे, पी कॉस फाई ये ऊपर है, इसमें से नीचे वाली फोर्स माइनस कर देंगे, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन, एन की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये नेट फोर्स आ गई। और ये नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इट गिव्स एक्सलेशन ए, इससे हम एक्सलेशन ए फाइंड कर लेंगे। तो बड़ा आसान है ये मेथड है, खाली हमें फोर्स के सही कंपोनेंट करने और उनको सही डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फिर अपने आप क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, देखो यहाँ तक समझ में आए आपको? यस सर। नोट हो गया सबका? नहीं सर। हाँ नोट कर लो, चलो।
हो गया सर। ओके और डिफरेंट केसेस हैं ये तो, केस थ्री ये फिक्शन का नहीं है लेकिन अलग केस है, और केस देखते हैं। ये पुली है और यहाँ पर पहले मैं एक मास यहाँ और एक मास यहाँ ले रहा हूँ, बाद में हम यहाँ बढ़ा देंगे मास। ये सपोज M1 है और ये M2 है, तो अगेन हमें एक्सलेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है, तो देखें कैसे इक्वेशन बनेंगे। इसमें टेंशन M2 के लिए इससे अवे और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट की वजह से ये नीचे आएगा ब्लॉक, और ये ब्लॉक अगर ये नीचे आया तो ये राइट में आएगा। इस पे टेंशन इससे अवे और ये इधर मूव करेगा। आप देखें जरा इक्वेशन, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2A, और इसके लिए टेंशन इसका जो वेट है वो नीचे है, वो रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो वेट का कंपोनेंट इधर नहीं आ रहा है, खाली एक फोर्स लगी टेंशन, ये टेंशन इक्वल टू M1A। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो गए, तो ये एक्सलेशन आ गया, और इससे हमें एक्सलेशन का एक जनरल फॉर्मूला भी मिल गया। क्या जो यहाँ पर हैंगिंग वेट होता है वो वेट लेना है हमें, हैंगिंग अपॉन टोटल मास सिग्मा एम लिख रहा हूँ, यानी ये नीचे और ऊपर सब मिला के जो भी मासेज है उनका सम कर दें तो हमारा एक्सलेशन फास्ट हो जाएगा, हैंगिंग वेट अपॉन समेशन ऑफ मास। और एक बार एक्सलेशन आ गया तो टेंशन तो ये रही हमारी M1A, यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार नोट करते हैं फिर इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। और बस हमारे पास 10-12 मिनट और हैं, 10-12 मिनट में हम जेल से एकदम रिहा होने वाले हैं, 12 मिनट की जेल और बची है। क्लास नोट होने के बाद बता देंगे मुझे। यस सर, हो गया। वेरी नाइस, अब आगे चलते हैं।
मैं इसे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें एक्सलेशन और टेंशन दोनों फाइंड करने हैं हमें। ये जो भी यहाँ ब्लॉक हैंग कर रहा होगा, ये ब्लॉक तो अपने आप इधर मूव कर नहीं सकता लेफ्ट में, इसलिए कभी लेफ्ट में नहीं आएगा, चाहिए इसका मास कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो जो भी हैंग कर रहा होगा वही नीचे लेके आएगा इसे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। फ्रिक्शन दिया होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स से चेक करते हैं, अगर वो टेंशन से फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो वो अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहा, अभी बिना फ्रिक्शन वाले प्रैक्टिस करेंगे पहले। तो ये अगर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक राइट में आएगा, तो इसके लिए एक्सलेशन डायरेक्ट, जो हैंगिंग वेट है वो कितना हो गया 2g, और जो टोटल मास है 10+2। तो g/6 एक्सलेशन आ गया, और टेंशन यहां से डायरेक्ट आ रही है क्या, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो ऐसे हम टेंशन फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल आया समझ में सबको? यस सर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं दो ब्लॉक ले ले रहा हूं, और ये मान ले 1 kg है। तो एक मेरा 1 kg से 4 kg तक एक स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन T1, और 4 से 6 के बीच में स्ट्रिंग बदल गई तो उसमें अलग टेंशन होगी। तो मान ले मुझे एक्सलेशन और टेंशन फाइंड करनी है। तो ये वाला नोट करो, ये वाला आप ट्राई करो, फिर मैं भी सॉल्व करता हूं अभी। वेरी गुड। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग आंसर मैच करेंगे। तो एक्सलेशन इक्वल टू हैंगिंग वेट
अपॉन टोटल मास हैंगिंग वेट है 1 × g और टोटल मास है 10 + 1 11, इसलिए एक्सलेशन आ गया g/11। और टेंशन यहां से निकालूंगा मैं T1 टेंशन, यहां पे निकालनी है तो इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था हॉरिजेंटल वाले ब्लॉक्स में, तो इसलिए टेंशन T1 टैन ए यानी tan × g/11। और जब T2 टेंशन निकालेंगे तो इसके पीछे वाले ब्लॉक को लेंगे, देखो आपके आंसर ये मैच कर रहे हैं। यस सर। यस सर। वेरी नाइस, तो फिर आप समझ गए, आप लोग समझ गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सब में टेंशन निकालनी है T1, T2, T3 एंड T4। और आपका टाइम भी होने वाला है, 3 मिनट बचे हैं, बस ये क्वेश्चन कर दो आप लोग। आंसर इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है सबको, इन टर्म्स ऑफ जी, फिर मैच करेंगे आंसर। स्टूडेंट्स बता देंगे मुझे जब आपका हो जाएगा। यस ट्राई कर रहे हैं ना अभी। सर हो गया। वेरी नाइस, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर चेक करेंगे। एक्सलेशन देखो, ये 12 और ये है 8, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा।
तो ये 12 माइनस 8 एंड 12 प्लस 8 इंटू जी, जी बाई 5। अब टेंशन T1 निकालनी है और ये ऊपर जा रहा है इसलिए 2 इंटू जी प्लस ए जी। देखो T1 ये आया आप लोगों का, यस सर ये आ रहा, वेरी नाइस। और T2 के लिए इसे 8 कर देंगे इंटू 6G/5, जी प्लस जी बाई 5, 6G/5। क्या ये T2 भी आ रहा है? यस सर, यस सर। और T3 इसका डबल 2T2 हो जाएगा 96/5G। और T4 ये नीचे आ रहा है 8 × G-A, T2/5G। T4 भी आ रहा है? यस सर, यस सर, वेरी नाइस। और एक T2 में इधर से भी निकाल रहा हूँ, इधर से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसलिए T2 यहाँ से, तो ये T2 के लिए नीचे 12 kg, 12 × G- लगाएंगे G/5। ये हो गया 48G/5, जो कि दोनों से सेम आ रहा है, यानी चेक हो गया। तो सबके ये आंसर आ गए? यस सर, वेरी नाइस। तो मैं आपकी क्लास वाइंड अप कर दूं यहाँ पे? यस सर, यस सर। ओके वेरी नाइस एंड हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली, एंजॉय और पोल्यूशन नहीं करेंगे, एंजॉय सर, सेम टू यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय स्टूडेंट्स, एंजॉय, गुड बाय, हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।